हेलो डियर लिसनर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड आर चैप्टर 4 एंड टुडे वी विल स्टार्ट आर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5, कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस, लोगों का समूह जो एक साथ एक जगह पर रहता है। सर्विसेज मीन्स डूइंग वर्क फॉर समवन, किसी के लिए कुछ काम करना, मीन्स हेल्प करना। तो कम्युनिटी सर्विसेज मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हेल्प अदर्स। लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी इंसान हैं, वो क्या है? सोशल एनिमल है। मीन्स दे लीव इन अ ग्रुप। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग कैसे रहते हैं? हम लोग सारे के सारे इकट्ठे रहते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ। तो हम क्या है? सोशल एनिमल्स हैं, हम अकेले नहीं रह सकते। एंड वी शेयर आर हैप्पीनेस एंड सॉरो टू ईच अदर। जो हम अपनी खुशियां हैं, जितने दुख है, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दे लिव टुगेदर इन द कंपनी ऑफ दियर फेलो बींग्स इन विलेजेस, टाउन और सिटीज। एज आई एक्सप्लेन यू, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो क्या है? किसी न किसी कंपनी में रहते हैं, जिनको वो जानते हैं। चाहे वो कहाँ रहते हों, गांव में रहते हों, चाहे टाउन में हो, चाहे सिटीज में हो। द मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी लिव इन हार्मनी एंड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ वन अनदर। इतने भी समूह के लोग हैं, ठीक है, वो कैसे रहते हैं? एक दूसरे के साथ बहुत ही पीसफुली रहना पसंद करते हैं और एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू ईच अदर इन टाइम ऑफ एमरजेंसी। और जब भी एक दूसरे को क्या करते हैं? वो सपोर्ट करते हैं। कब करते हैं? अगर कभी कोई एमरजेंसी आ जाए तो वो क्या है? दूसरे को हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पड़ोस में कोई बीमार है तो, और उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, तो हम उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है। कम्युनिटी लिविंग हेल्प्स इन बिल्डिंग अ पीसफुल सोसाइटी। सो कम्युनिटी में जब हम लोग रहते हैं तो वो हेल्प करता है कैसे बनाने में? एक पीसफुल सोसाइटी बनाने में वो हेल्प करता है। इट्स टीचर्स, फॉर एग्जाम्पल, इट टीचर्स टू केयर फॉर अदर एंड शेयर फैसिलिटी लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट एक्सेट्रा। कम्युनिटी सर्विसेज इज द हेल्प और असिस्टेंस दैट बेनिफिट द सोसाइटी। जो कम्युनिटी सर्विसेज हैं, वो क्या करती है? हेल्प करती है। और जो किसमें, जो जितने भी सामुदायिक लोग हैं, कम्युनिटी के पीपल हैं, उनके बेनिफिट्स के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देती है। ठीक है, उनकी अपना पूरा सहयोग देती है। इट मे बी असिस्टिंग द एल्डरली पार्टिसिपेटिंग इन नेबरहुड वॉच प्रोग्राम्स, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द लोकेलिटी एक्सेट्रा। और कैसे वो असिस्ट करती है? जैसे एल्डर्स को हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव रेड इन द क्लास 3rd हाउ वी कैन हेल्प आर एल्डर। जैसे कि बहुत से बुजुर्ग हैं, कई बार अपने काम के लिए मार्केट जाते हैं, बैंक जाते हैं, तो और उन्हें अगर फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा है तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत से लोग हेल्प भी करते हैं। या रोड क्रॉस करते हैं, उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो रोड क्रॉस करवा देते हैं। ठीक है। एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेबरहुड वॉच प्रोग्राम, वी हैव रेड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट दिस, कि नेबरहुड वॉच प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जिसमें कि हम अपने पूरे लोकेलिटी में इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, कोई आउटसाइडर तो नहीं आ गया। अगर ऐसा कुछ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम पुलिस में, या जो भी आपके नेबरहुड में, जो भी आपके लोकेलिटी में सबसे बुज़ुर्ग है या मेम्बर है, हेड है उस लोकेलिटी का, उसके पास हम इंफॉर्मेशन देते हैं।
एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ लोकेलिटी मीन्स कि अपनी लोकेलिटी का बिल्कुल ध्यान रखते हैं, उसको खूबसूरत बनाते हैं, वहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो लगाते हैं, ठीक है, ट्री एंड प्लांट्स लगाते हैं, उसको साफ रखते हैं, ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी गार्बेज जो है स्ट्रीट पर ना डालें, तो ये सारी एक्टिविटी की जाती है। मैनी पीपल कॉन्ट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स बाय डोनेटिंग मनी और दियर सर्विस। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, बाय गिविंग मनी। बहुत से लोग जो हैं पैसा भी देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा ही आजकल जो COVID-19 के कारण बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, बहुत से पुअर लोगों को खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं फैसिलिटी, ताकि जो भी हॉस्पिटल में लोग हैं उनको प्रॉपर मेडिसिन मिल सके। तो बहुत सी ऐसी एक्टिविटी की जाती है, लोग ऐसे भी दूसरे की हेल्प करते हैं और अपनी सर्विसेज भी देते हैं। आपने देखा है बहुत से अभी लोगों को जो है एक अभिनेता ने बाय गिविंग देम प्रोवाइडिंग देम बसेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे पहुंचाया है। तो ऐसे जो है ये काम करते हैं, इट गिव देम प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन। और ये चीज़ उन लोगों को क्या है, बहुत खुशी और सेटिस्फेक्शन मीन्स उनके मन को शांत रखती है कि हमने जो है बहुत अच्छा काम किया है। कम्युनिटी सर्विस इन ओल्डन टाइम। तो डियर स्टूडेंट, जो कम्युनिटी सर्विसेज हैं वो आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से भी जो है कम्युनिटी सर्विसेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रही है। कम्युनिटी सर्विस हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। जो कम्युनिटी सर्विस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पार्ट रही है इंडियन हिस्ट्री का, यानी अगर हम इंडिया की हिस्ट्री की बात करें, पास्ट की बात करें और कल्चर की बात करें, तब से ही ये इसका बहुत जो है इम्पॉर्टेंट हिस्सा रही है। मीन्स पुराने समय से ही लोग एक दूसरे की हेल्प करते आ रहे हैं। पीपल हेल्प द पुअर विद मनी क्लोथ्स फूड शेल्टर और लुक्ड आफ्टर द सिक्स। अगर हम बात करें पुराने समय की, तो पुराने समय में भी एंशियंट टाइम में भी क्या था, जो लोग थे वो बहुत से गरीबों की हेल्प करते थे पैसे देकर, उन्हें कपड़े देकर, उन्हें खाना देकर और रहने के लिए जगह देकर, और बहुत से जो बीमार लोग थे उनकी हेल्प करते थे। ठीक है, जैसे कि आई हैव एक्सप्लेन यू द प्रीवियस पैराग्राफ कि प्रेजेंट टाइम में कैसे जो हैं, जो ये पेंडेमिक है इसमें कितने सारे लोग बीमार हैं, किसी के पास खाना नहीं है, फूड नहीं है, मेडिसिन नहीं है, तो बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, मनी डोनेट कर रहे हैं, उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, फूड दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, क्लोज दे रहे हैं, ठीक है ना, मेडिसिन दे रहे हैं, उनकी ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, लाइक कोरोना वॉरियर्स के नाम से हमारे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पुलिस है, वो कैसे जो है हेल्प कर रही है। तो वैसे ही बहुत से लोग अपनी इच्छा से भी जो हैं ऐसे काम करते हैं। तो ये जो है पुराने समय से ही चलता आ रहा है इंडिया में, पुराने समय से ही लोग दूसरे की हेल्प करते आ रहे हैं। डू यू नो मैनी पीपल गिव मनी एंड फूड टू बैगर्स। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैगर्स हैं, जो भिखारी हैं, उन्हें क्या देते हैं, पैसा देते हैं और खाने के लिए देते हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, जो कि यह एक अच्छी चीज़ नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रेन देम फॉर सम क्राफ्ट स्किल्स सो दैट दे कैन वर्क टू अर्न द मनी लाइक मेकिंग कॉर्स फैन टॉयस पेपर बैग एक्सेट्रा। ठीक है, कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब बैगर्स हैं, उनको क्या देते हैं, पैसा देते हैं, खाने के लिए देते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। इससे अच्छा क्या होगा, अगर हम उन्हें कुछ
क्राफ्ट स्किल सिखा दे, ठीक, क्राफ्ट वर्क सिखा दे, जिससे वो क्या कर सके, आसानी से चीज़ों को बना सके, कॉयर फेंस बना सके, टॉयज बना सके, पेपर बैग बना सके, उनको सेल करके वो मनी ले सके और अपने जो भी नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सके। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट वी रेड इन दिस पैराग्राफ्स, इन दिस पैराग्राफ आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ कम्युनिटी सर्विसेज एंड ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल, दे लिव टुगेदर एंड प्रोवाइड देयर सर्विसेज एंड हेल्प ईच अदर इन द टाइम ऑफ एमरजेंसी। कम्युनिटी लिविंग हेल्प इन बिल्डिंग अ पीसफुल सोसाइटी। सो कम्युनिटी सर्विस इज द हेल्प ऑफ असिस्टेंट दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी। इट मे बी असिस्टिंग द एल्डरली, पार्टिसिपेटिंग इन नेबरहुड वॉच प्रोग्राम, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लोकेलिटी एक्सेट्रा। मैनी पीपल कॉन्ट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी सर्विसज प्रोग्राम बाय डोनेटिंग मनी और देयर सर्विस। इट गिव दैम प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन। नाउ वी कैन सी इन दिस पिक्चर कि हाउ स्टूडेंट आर गिविंग देयर सर्विसेज एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। कैसे जो हैं स्कूल के बच्चे, एक अभियान चला था स्वच्छ भारत, जिसमें कि लोगों को सफाई के लिए मोटिवेट किया था, तो कैसे बच्चे जो है स्कूल के वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज कम्युनिटी सर्विसेज। तो कम्युनिटी एंड कम्युनिटी सर्विसेज इन ओल्डन टाइम, और ओल्डन टाइम में कम्युनिटी सर्विसेज कैसी रही है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रही है इंडिया का, चाहे वो हिस्ट्री है चाहे उसका कल्चर है। ओल्डन टाइम से ही क्या है, जो पीपल हेल्प द पुअर विद मनी, क्लोथ्स, फूड, शेल्टर एंड लुक्ड आफ्टर द सिक्स। और पुराने समय से ही लोग जो हैं लोगों की हेल्प करते आ रहे हैं, चाहे कपड़े दे के, चाहे उनको फूड देकर, चाहे जो सिक पीपल हैं उनकी देखभाल करके। सो बट दिस पैराग्राफ वी हैव रेड कि इंस्टेड ऑफ गिविंग दैम फूड एंड मनी, वी शुड टीच दैम सम क्राफ्ट वर्क, दे कैन हेल्प टू अर्न द मनी, लाइक मेकिंग कॉयर फैंस, टॉयज, पेपर बैग एक्सेट्रा। टू डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे। वट विल यू डू, यू विल रीड दिस पैराग्राफ्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।